So I did one thing. This is an empty glass and this is a can. Okay. So abhi ek kaam karenge. I just want to see whether I have achieved enough to fill this glass of bottle glass with this can. Okay. Agar main ye bhar diya, to I have achieved everything. Theek hai? So let's see who wins at the end of the day. So I was a kid. Mera schooling hua tha Kendriya Vidyalaya Baleshwar mein. So it was a government school and main 2015 mein school se pass out hua tha. So since it was a government school, to humko table aur chair dono lekar jana padta tha. Kyunki wo maximum time wahan pe nahi hote hai. And most of the time tabs bhi nahi hote the. So hum log pani ka bottle peene ke liye kam dhone ke liye zyada use karte the. And I am from a middle class family. So ab mera पालन पोषण ही अलग तरीके से हुआ है. माई डैड ऑलवेज सेड कि मेरे दोस्त की बेटी को देख. दोस्त की बेटी को देखते देखते सिक्स से कब ट्वेल्व हो गया पता ही नहीं चला. बट आई वॉज ऑलवेज द मोस्ट मिस्चीवियस स्टूडेंट ऑफ द होल स्कूल होल क्लास. तो मैं मैडम ने मेरे को मॉनिटर बना दिया था. तो वन से सिक्स तक बहुत सही चला. सिक्स से नाइन तक भी बहुत, एट तक बहुत सही चला. ऐसा क्लास मॉनिटर था, ऐसा एकदम कॉलर वॉलर उठा के चलता था. फिर नाइन क्लास में क्या हुआ, एक पापा के दोस्त ने पापा के दिमाग में एक स्ट्रैटेजी डाली कॉल्ड इंजीनियरिंग. तो पापा को लगा अब इंजीनियरिंग क्रैक करना पड़ेगा, तो नाइन क्लास से शुरू करते हैं. क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 15 साल लेट थे, क्योंकि पेट से तो शुरू कर नहीं पाए, ऑलरेडी 15 साल डिले है, तो अभी करना पड़ेगा. सो सी, देयर इज ऑलवेज अ इश्यू गोइंग ऑन बिटवीन हु इज अ बेटर ब्रांच और अ बेटर कोर्स, सीबीएसई और आईसीएसई, राइट. अब मैं सीबीएसई से हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई विल ऑलवेज एडमिट दैट आईसीएसई का कोर्स टफ तो है. तो अब पापा ने क्या किया, क्लास नाइन में मेरा मैथ्स ट्यूशन चेंज कर दिया और रख दिया एक और आईसीएसई स्कूल के टीचर के पास. तो वो टीचर स्कूल में एक पढ़ाता था एक मस्त चीज, सेम चीज आके ट्यूशन में भी पढ़ाता था. उनके लिए रिवीजन थी, मेरे लिए पहली बार था. मैं सोचा फ्रंट रूम में बैठता हूँ तो टीचर इंप्रेशन अच्छा जमेगा तो अच्छा पढ़ाएगा. मैं फ्रंट रूम में बैठा तो ये लोग बोले, अरे सीबीएसई से आया है, तू नालायक है. आई सेड हाँ वो मैं हूं, बट इट्स अ पब्लिकली कौन बोलता है. बट देन व्हाट हैपेंड, आई सॉ ठीक है, टेस्ट हुए 20 में से 12 मार्क्स आए. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ तो रहा है कुछ तो नंबर आने चाहिए. उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है. टीचर वीचर मारना मारना भी शुरू कर दिया. ये टीचर थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है मेरे से, तो एक काम करते थोड़ा पीछे आके बैठता हूँ. फिर धीरे धीरे पीछे आते 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 ना बैक बेंचर बन गया मैं. अब जब बैक बेंचर बन गया ना, तो मुझे लगा कि अब मैं सेफ हूं. बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी. क्योंकि देखो सीबीएसई के बच्चे बदमाश होते होंगे, आईसीएसई के बच्चे उससे भी ऊपर है. मैं बैक बेंचर पर बैठा, मैं बैक बेंचर में था एंड ये लोग आए, मेरे को बोले कि ये क्या है, ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनता. मैंने कहा मैं 28 का हूँ, मेरा कमर 28 है, मेरे साइज का पैंट मिल जाए वही बहुत है, तुम ब्रांडेड कपड़े का बात कर रहे हो. बोलते नहीं तू गरीब है. आई सेड व्हाट, बोले नहीं यस, तू सीबीएसई में पढ़ता है तू गरीब है, हम आईसीएसई में पढ़ते हैं हम अमीर है. आई सेड ऐसा भी होता है? बोलते हाँ ऑफकोर्स, इसीलिए तो तू गरीब है. मैंने कहा ठीक है. देन व्हाट हैपेंड, धीरे धीरे दिन बढ़ता गया एंड वो थोड़ी टॉन्ट्स ना थोड़ी बढ़ती गई. तो आई वॉज हैप्पी उस टाइम तक जब तक ऐसा मस्ती मजाक चल रहा था. वन फाइन डे दिस माइन्यूट इंटरेक्शन कन्वर्टेड इनटू बीटिंग. तो एक दिन मेरे को किसी ने जस्ट ऐसा ही थप्पड़ मार दिया. अब वो हक सिर्फ मेरी मम्मी का है. अब ऐसा रैंडम जब बंदा किसी ने मुझे मारा तो बुरा तो लगा, तो मैं डर गया और मैं ट्यूशन नहीं गया. अब तीन दिन ट्यूशन नहीं जाने के बाद टीचर ने पापा को कॉल कर दिया. इज लाइक देखो आपका बेटा नहीं आ रहा ट्यूशन. आई सेड कूल. अब मैं गया वहां पे,
ट्यूशन में गया, पिटा, घर आया वहां पिटा, पापा को बोला कि पापा पूछे क्यों नहीं जा रहा, मैंने कहा वो बच्चे मारते हैं, तो बोले टीचर को जाके बोल, मैंने कहा गुड आइडिया, यही तो हो रहा है मेरे साथ, बुली हो रहा है, टीचर को बोलूंगा तो टीचर रोक लेगा, नाइस। तो मैंने टीचर को गया, मैं टीचर के पास एंड बोला कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, एंड टीचर डिड द बेस्ट थिंग ही कुड डू, सबको मारा। अब उस टाइम पे सीना मोदी का पता नहीं कितना है, मेरा 56, मैं ऐसा खुशी से ऐसा बैठा नहीं इधर, उसके बाद अब आओ। बट फिर मैं भूल गया था कि वो टीचर सिर्फ ट्यूशन तक ही टीचर था, मेरा घर ट्यूशन से घर 3.5 किलोमीटर दूर है, और था मेरे पास साइकिल। बहुत मारा, माँ कसम उन्होंने क्या मारा मुझे, ऐसा लेटा लेटा के मारा, मैं ऐसा ऐसा साइकिल स्टैंड पे ऐसा फर्श पे ऐसा लेटा हुआ है, मस्त बॉलीवुड मूवी जैसा बारिश हो रहा है, एंड आई वाज क्राइंग, अरे डूड ये क्या कर दिया मैंने अपने लाइफ में, ऐसा क्या गलती कर दिया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, एंड आई वाज लाइक फाइन। क्लास 10 हैपेंड, मैंने कहा देखो पापा अब हम दोनों बात कर ले तो ठीक है, तो CBSE के टीचर के पास गया, देन आई स्कोर्ड गुड मार्क्स क्लास 10 में, 91% हैप्पी। फिर आया क्लास 11-12, आई वॉन्टेड टू डू कॉमर्स, बट पापा ने बोला साइंस। दैट डे आई रियलाइज कि मैं कॉमर्स के लिए ओवर क्वालिफाइड हूँ, बिकॉज इंडियन पेरेंट्स का टेंडेंसी ये है कि इफ यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स साइंस, थोड़ा कम तो कॉमर्स, बहुत कम तो आर्ट्स, नहीं तो पापा का बिजनेस है। दैट्स हाउ इंडियन पेरेंट का मेंटेलिटी। अब मैंने साइंस ले लिया, मुझे भी नहीं पता क्यों लिया, टीचर मुझसे सवाल पूछे तूने साइंस क्यों लिया, मैं भी उनसे पूछ रहा क्यों लिया। तो वैसा करते करते गया एक साल, क्लास 11 खत्म, पास हो गया। घर पे पापा खुश कि इतना कम मार्क्स रखा है, पक्का JEE के लिए पढ़ रहा होगा। वही एक्सक्यूज है, और क्या ही एक्सक्यूज है, 11 में मार्क्स क्यों रखे पापा, वो JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा था। क्लास 12 हुआ, सेम सिचुएशन शुरू, पापा ने बोला कि तू जा ICSE के टीचर के पास पढ़, वहां पे फिजिक्स टीचर था, मुझे लगा कुछ अलग होगा, बट बच्चे वही सेम थे। मैं आया देवर लाइक धप्पा, मैंने कहा क्या सही देजा वो हुआ है मेरे साथ, ये क्या गजब बात है, एंड आई डिसाइडेड दैट आई वोंट गो टू द ट्यूशंस एनी मोर। एंड मीनवाइल व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ माय सम फैमिली प्रॉब्लम, मेरे मम्मी के मामा के साइड वाले क्या किए, दे फाइल्ड अ फेक FIR ऑन माय मॉम, एंड तब मेरा क्लास 12 का बोर्ड्स का 5-6 महीना चल रहा था, फाइल्ड अ फेक FIR सेइंग कि ऑफ अ फॉल्स रॉबरी केस, जस्ट टू मतलब ऐसा परेशान करने के लिए, बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज। अब माय डैड ही वर्क्स एट DRDO, तो अभी देयर इज वन रूल दैट द पुलिस कांट अरेस्ट when the government worker is working, doing his job. My mom, she was hiding for no reason at all, and the police people were bribed. So cool, बहुत सही movie ऐसा plot बन गया है। अब मेरा class खत्म होते 1:40 को। Now I don't know, class खत्म होने के बाद जाऊँगा कहाँ? मेरा मस्त कुत्तों के साथ दोस्ती हुआ फिर। अब tuition जाना छोड़ दिया था। अब पता है, chemistry का tuition जाता हूँ नहीं। मैथ्स तो राम भरोसे चल रहे, फिजिक्स तो कुछ हो रहा नहीं है, भले ही इंग्लिश रह गया वो कितना ही आ जाएगा। अब बायोलॉजी टीचर मेरे को क्लास के बाहर ज़्यादा टाइम रखता था, मैंने कहा फुल इस फ्लो में गया तो 12 इस ज़माने में क्या कभी भी नहीं पास हो पाऊंगा। देन आई टू आस्क माई फ्रेंड की डूड हेल्प मी, इज लाइक कूल आई विल हेल्प यू। सो देन आई लेजिट स्टडीड अंडर अ स्ट्रीट लाइट, बिकॉज वाई शुड ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैव ऑल द फन। तो मैं ऐसा 2 दिन ऐसा स्ट्रीट लाइट के अंदर ऐसा करके नीचे पढ़ा, तो सिक्योरिटी गार्ड था उधर, बोला कि क्या कर रहे, मैंने कहा वो घर नहीं है मेरा, बेघर हो गया कब पता ही नहीं चला, इसलिए इधर मेरे रूम में पढ़। सो फॉर 2 मंथ्स आई स्टडीड देयर, एंड मीनवाइल आई यूज्ड टू स्टे एट रैंडम प्लेसेस।
तो दो महीने के बाद दैट फेक अफेयर थिंग ऑल्सो गॉट क्लियर्ड. मॉम को क्लीन चिट मिल गया, वॉज हैप्पी. देन पापा मम्मी अगेन इंजीनियरिंग कर लो. अब क्लास 12 का एग्जाम खत्म हुआ, जेई आया. अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, आईआईटी और जेई में दो तरीके के लोग होते हैं जो 90 क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट करते हैं. एक जिनको सब आता है, और दूसरा हूं मैं जिसको कुछ नहीं आता है. अब मैंने जेई इसलिए किया ताकि पापा को समझा सकूं कि देखो माइनस में नंबर आएंगे तो अब तो मान जाओ कि बेटे में कैलिबर नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं कर सकता. सो आई अटेम्प्टेड ऑल द 90 क्वेश्चंस. मैं 2015 में एग्जाम दिया था, द कट ऑफ वाज 75, आई स्कोर 94. सारे तुक्के लग गए, मतलब जिंदगी का जितना भी बैड लक इकट्ठा हो के गुड लक में कन्वर्ट हुआ वो सब उस दिन यूज हो गया. मैंने कहा बहुत से. देन माय मॉम एंड डैड वर लाइक अगर ये बिना पढ़े नाइन्टी फोर रखा है उसको अगर बंसल में कोचिंग देंगे वो कितना ही रख देगा. देन आई वाज लाइक सुनो नहीं करना इंजीनियरिंग मेरे को. देन इज लाइक नहीं नहीं कर लो, नहीं करना. फिर क्लास 12 के रिजल्ट आए, मैथ्स 44, फिजिक्स 72, बायोलॉजी 73, केमिस्ट्री 76, इंग्लिश 96. देन आई केम टू रेवेंशा, इंग्लिश ऑनर्स ले लिया क्योंकि इकोनॉमिक्स मिला नहीं. आई सेड कूल विल टेक इंग्लिश ऑनर्स, एमबीए कर लेंगे फिर तो मजे ही है और क्या. तो आया इंग्लिश ऑनर्स लिया. फिर पता चला कि यहाँ का इंग्लिश ऑनर्स और क्लास 12 की इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है. मुझे नहीं जानना शेक्सपियर कौन से कलर का अंडरवेयर पहनता है. इधर क्या था, प्रोज पढ़ो, पोएट्री पढ़ो, आंसर लिखो, खत्म. इधर ऐसा नहीं है, इधर शेक्सपियर बताएगा कि क्यों लिखा था, किस लिए लिखा था, क्या सोच रहा था, उसका प्रेफरेंस क्या था. नहीं जानना मुझे, जबरदस्ती है क्या. हाँ है. तो 3 साल पढ़ लिया मैंने. बट वेन आई वॉज इन फर्स्ट ईयर कॉमेडी हैपेंड. सो अभी जो मैंने अचीव किया अपने मम्मी पापा को समझाना कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, दैट वॉज माई फर्स्ट अचीवमेंट. सो फर्स्ट फिर आया रेवेंशा हैपेंड. अब मैं आया तो पता चला ऑलरेडी कोई मस्त नाच रहा है, एस्टेब्लिश डांसर, कोई डिबेट बहुत मतलब किल कर रहा है डिबेट में. फिर ऐसा कोई मिस यूनिवर्स तो नहीं है बट वो मिस झारखंड बन के आया है. फिर मैं अपने आप को देखा, फिर सेल्फ एनालिसिस में गया. देन माय सिस्टर, हर नेम इज मेगा, शी टोल्ड मी डूड यू कैन मेक पीपल लाफ, व्हाई डोंट यू ट्राई दैट. आई सेड यस, व्हाट इज दिस थिंग बाय द वे अगेन. शी सेड डूड स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर. मैंने कहा वो क्या होता है. फिर आई गूगल कि व्हाट इज स्टैंड अप कॉमेडी. फिर ऐसा हम लोगों का फ्रेशर का फेस्ट चल रहा था, सो मैं क्या किया, सारे कॉमिक्स का जोक चुरा लिया जस्ट देखने के लिए कि डू आई हैव दिस फ्लेयर टू मेक पीपल लाफ, रियली लाफ. सो मैंने कहा ठीक है डन, लेट्स डू इट. तो लोग हंसे. एंड दैट डे आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट फ्रॉम दैट डे till today I have never ever like stole someone else's work because that's unethical. You should never do that. If you are doing it, unko credit do. So I never did that again. And after that I started writing jokes jo ki mere real life mein related hai, like hostel food, my mom and dad and everything. So bahut sahi chal raha tha sara situation. And then NLU Odisha, National Law University Odisha, was my first college show. वेरी हैप्पी. नहीं सुन तो ले, उसके बाद बोलेगा छीछी क्या. तो NLU में मैं गया शो करने के लिए, दिट वॉज रियली नाइस. मेरे इतना बड़ा ऑडिटोरियम एंड एवरीथिंग, आई वॉज सपोज टू परफॉर्म फॉर 10 मिनट्स. मैं गया, माइक पकड़ा, आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग, नोबडी लव्ड एज यूजुअल. 800 लोग बैठे हुए, ऐसा करके 5 मिनट हुआ, कोई नहीं हंसा. फिर जो पीछे के 400 लोग थे ना, उनको आइडिया आया
कि हम इस लड़के को बू भी कर सकते, तो वो लोग सब बू करना शुरू किए। फिर जो पीछे के 400 लोग थे उनमें से किसी को एक आइडिया है, हम तो ऐसे भी कर सकते। तो उसके बाद फिर सामने जो बच्चे बैठे हुए थे, तो ये लोग अगर बू कर रहे हैं तो हम तो गो बैक तो चिल्ला ही सकते। सो द फुल 800 चीयर चिल्ड्रेन स्टूडेंट्स वे चीयरिंग बू बू गो बैक, ऐसा पूरा मस्त रिदम में चल रहा है। एंड व्हेन आई सेड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड यू आर अ लवली ऑडियंस, मां कसम क्या खुश थे मैं जा रहा हूं करके। दे वर लाइक हां जाओ अब तो निकल यहां से। बट दैट शो से मेरे को 500 रुपए मिला था। That was my first income from comedy. I was supposed to perform for open for another guy called Satyabrat. I opened for him and he paid me 500 bucks. So that was my first income from comedy. So abhi main 3 saal se comedy kar raha hu and 500 rupees was my first income and maine aaj tak usko kabhi kharcha nahi kiya. It's still there. Ab maze ki baat ye hai कि आई एज अ पर्सन आई ऑलवेज बिलीव कि एक इंसान को उठने से पहले ना सबसे पहले अपना लोएस्ट देख लेना चाहिए। तो मैं अगर 3 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, आई कैन प्राउडली से फॉर 1 ईयर मैं एक जन को भी हंसा नहीं सकता था। मैं हर एक साल 365 में से मैं अराउंड 200 डेज से स्टेज पर चढ़ा हूँ ये देखने के लिए कि कोई हंस नहीं रहा है। एंड इट इज़ फन, एंड इट्स एक्चुअली इट इज़ फन। लाइक आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट अ शो एट मेफेयर कन्वेंशन। कैन यू जस्ट इमेजिन, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे दोस्त इतना गंदा परफॉर्म किए हैं कि तुमको स्टेज पे चढ़ने नहीं दिए हैं? टू ऑफ माय फ्रेंड्स परफॉर्म, द मैनेजर केम एंड से आप उतर जाइए। मैंने कहा मैं तो परफॉर्म भी नहीं किया सर, आपकी जरूरत भी नहीं है सर, ये लो चेक लेके चले जाओ। एंड दैट इज दैट शो आई वॉज पेड अराउंड 5,500 एंड मैंने वो पैसे भी खर्च नहीं किए। Because that was the easiest money I have ever earned, and that was the most undeserving money that I have ever earned. So वो पैसे मिले तो, but वो खुशी नहीं मिली। But after that, Great Indian Laughter Challenge happened. Got selected. तो audition देके आया, I was very happy कि चलो कुछ तो होगा। फिर वो audition के बाद वो call की, एक lady call की, like am I speaking to Alokesh Sinha? I said yes. बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। आई सेड थैंक यू, आपके घर पे कौन कौन है? आई सेड मॉम एंड डैड। ही इज लाइक व्हाई दे आर स्टिल अलाइव? आई एम लाइक व्हाट? बोले व्हाई आर दे अलाइव? आई सेड शुडंट दे बी अलाइव? बोलते अच्छा ठीक है कोई बात नहीं सर, अब हो गया है तो हो, क्या ही कर सकते हैं। सर आपके जिंदगी में कोई दुख है? मैंने कहा कि नहीं। पापा ड्रंकर्ड है? मैंने कहा नहीं। मम्मी को मारते हैं? मैंने कहा नहीं, मम्मी उल्टा मारती है पापा को। और क्या? बोलता है कि आपके पापा सर्वेंट है? मैंने कहा डिफाइन सर्वेंट, लेबरर? मैंने कहा नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट जरूर है। तो व्हाट डिड ही डू? आई सेड एयरफोर्स में काम करते थे। इट्स लाइक वाओ, कोई वॉर लड़ा है? मैंने कहा हाँ कारगिल। तो ओ वाओ, नेशनलिज्म बेच सकते, नाइस, कारगिल में लड़ा है, कूल। Is he still alive? I said, of course. मैं 2 मिनट पहले बोला वो जिंदा है। All of a sudden क्या हो जाएगा उनको? Yes, he is alive. He is still alive. Like, okay, fine, fine, sir. It's like, your dad is very nice person. I said, ये सब तो ठीक है, मेरे कॉमेडी का क्या? तुम मुझे सिलेक्ट किस लिए कर रहे हो? Then it's like, okay, fine, sir. आप सिलेक्टेड हो, मुंबई आ जाना, टिकट मेल करवा देंगे, ऐसा कुछ बोले वो लोग। मैं कहा कूल। तो उसी बीच में आई वॉज डूइंग सम शोज, तो मुझे नहीं पता ओडिया न्यूज पेपर में कुछ कुछ तो मेरे बारे में लिख के वो लोग छाप दिए थे। अब मम्मी के घर पे आता था संवाद, मुझे ओडिया पढ़ना नहीं आता, आई एम बंगाली एंड आई कांट इवन रीड बंगाली ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई डैड। वो ट्रांसफर पोस्टिंग था तो बहुत जगह घूम लिया, अब तो मेरा हिंदी सुन सकता है। बहुत वियर्ड है। तो अब ऐसा होकर रह गया मैं। तो अभी आया, मम्मी ने बोला कि हेलो, मैं कहा हाँ, तू करता क्या? मैंने कहा वो चुटकुले सुना तो। और क्या बोलू? मैं कहा उससे क्या होता है? मैं कहा उससे वैसा कुछ होता तो नहीं है बट अच्छा बड़ा लगता है। बोलता है कि सुन ये सब करना मत। मैंने कहा देखो, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में मिल गया मेरे को चांस, मैं जाऊंगा अक्षय कुमार से मिल के आऊंगा। शी इज लाइक वो सब तो ठीक है बट पढ़ाई पे ध्यान दे। एंड आई क्राइड, आई फॉट,
बहुत बहुत हाथ पैर मारा, डिडंट हैपन. मैंने कहा चलो, गया नैया पानी में. बट यू नो, मेरा सिलेक्शन ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में नहीं होना वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज दैट रियलिटी शो डिडंट डू मच वेल. बट देन वॉट हैपेंड, ऐसा हुआ, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड, इसलिए ओके फाइन, इफ नोबडी इज सपोर्टिंग मी मैं खुद से करूँगा. सो आई स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप. देर वॉज अ ग्रुप कॉल्ड भुवनेश्वर कमेडियंस, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, बट देन आई लेफ्ट इट बिकॉज ऑफ सम रीजन. देन आई स्टार्टेड माई ओन थिंग कॉल्ड कॉमेडी हाईवे, मी एंड विद फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स. हम लोग ऐसा सीन बनाने का सोचे कॉमेडी का कि इवन आफ्टर वी आर गॉन, लोग फिर भी हमारे पास आए, हमारे ब्रांड के पास आए और हंसना शुरू करे, एंड वो हंसना बंद नहीं होना चाहिए. तो आई डिड अ लॉट ऑफ कॉलेज शोज, IIT भुवनेश्वर डन, IIIT डन, IGIT सारंग डन, KIT डन, KIMS डन, हर जगह कर लिया. मतलब बेसिकली मैंने सारे कॉलेजेस में किया जहाँ पे मेरे मम्मी पापा चढ़ते थे मैं पढ़ूं. मैं पापा IIT कर ली. और बताओ, एम्स हो भी गया. ऐसा करके मैं कर लिया, सब कुछ कर लिया. बट देन आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है. बट देन केम अ वेरी टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का, जब मैं बहुत सारे वो सब कॉलेजेस में परफॉर्म कर रहा था ना, मेरे को मेरे वही ICSE के बच्चे दिखने शुरू हुए उन कॉलेजेस में. आई एम लाइक व्हाट डूड, मैं आज स्टेज के इधर हूँ तो अभी भी उधर ही है. और ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम बीटिंग मी दैट डे साइकिल स्टैंड पे, टर्न्स आउट नाउ आई एम देयर बेस्ट फ्रेंड. दे नाउ टैग मी लाइक, ए ब्रो तू क्या बड़ा आदमी बन गया है. आई एम लाइक, तू कौन है? I don't know you, dude. एक दिन आया वन गाय के मैं लगे, see, he is my friend. ऐसे तू कौन है? एक सिक्योरिटी प्लीज. सी, उस दिन मैं चाहता ना उठ के मार सकता था. वाजंट दैट डिफिकल्ट. मैं मारता, मैं पिटता, फिर वो चेन कंटिन्यू होता रहता. बट उससे लॉस मेरा ज़्यादा होता, बिकॉज मैं पिटा उस दिन इसलिए क्योंकि मुझे उनकी तरह बनना नहीं था. सो बुलिंग इज एक्चुअली अ सीरियस टॉपिक that a parent should always understand. So that is one thing, and that is one of the biggest achievement that I ever thought ki mera hai, that is the self control that I have that day ki maine unko nahi mara. So abhi kya hua, as I did a lot of shows, now what happened is few days back main Mumbai gaya Habitat mein recording karne ke liye. I was like, ha, main pehla comic भुवनेश्वर ओडिशा से पहला कॉमिक है ऐसा हैबिटेट में जा रहा है, रिकॉर्ड करूंगा, बहुत मजा आएगा. वेंट देयर, यू वोंट बिलीव, नोबडी नोज मी. आई वाज लाइक, ए इधर भुवनेश्वर में पीपल नो मी, इधर कैसे नहीं जानता है. एंड दे ट्रीटेड मी, एलियनेटेड मी इन अ वेरी डिफरेंट वे, लाइक तू कौन है, क्या करता है, किस लिए आया है. एंड उस दिन मुझे पता चला कि डूड, ये जगह के बाहर ना एक अलग दुनिया है जहाँ पे सब कुछ कंपटीशन ही है. अगर तुम रास्ते पे चल रहे हो ना किसी के साथ, वो आदमी तुम्हारे साथ चल रहा है, ही इज ऑल्सो कॉम्पिटिटर. सो यहाँ पे जहाँ पे थोड़ी सीन छोटी है कॉमिक्स की, वेन वी ट्रीट एवरीबडी एज देयर फैमिली, मुंबई में एवरीबडी ट्रीट्स एवरीबडी एज देयर राइवल. वो दोस्ती तो है बट कॉम्पिटिशन भी है. एंड वेन देयर इज अ कॉम्पिटिशन ना, वो कब इतना नीचे चला जाता है ना किसी को पता नहीं चलता. And I always believe in one thing, being hungry for something is good, being desperate for something is really bad. Ek hunger hamesha rakhna, but desperate mat rakhna. But it was a very fanboy moment. To Habitat mein I met Zakir Khan. I met BBQ Wines. And I successfully recorded my first stand-up comedy video. And I achieved it. And I achieved everything, but just when I thought that I have achieved everything, oh my God, I just leveled up. Thank you. So that's what I was trying to say, that even when you think that you are fully filled, you have just leveled up, and again you are half empty, and probably less. So
तुम बस सीखता जाते हैं, and there is always a room of improvement, just like now. So thank you.